मैंने इसे बोला कि अब इसको देखो क्या होगा इसे, तो ये बहुत ज्यादा इस टाइम रो रहा है। दोस्तों हमारे संदीप है, हमारा बेटा, उसकी साइकिल गई है टूट, वो टूट गई है, उसकी साइकिल हैंडल टूट गया है, तो कह रहा था कि पापा इसे संभलवा के ले आओ, तो बहुत ज्यादा इस टाइम रो रहा है। देखिए आगे दिखाते हैं आपके लिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखो बहुत ज्यादा इस टाइम रो रहा है, देखिए ये कितना ज्यादा देखो रो रहा है, देखिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स, इतना ज्यादा रो रहा है कि देखो साइकिल टूट गई है। और मैंने इसे बोला कि अब इसको देखो क्या होगा इसे, तो ये बहुत ज्यादा इस टाइम रो रहा है। और मैं भी जा रहा हूँ इसकी साइकिल संभलवाने के लिए, और इतना ज्यादा देखिए परेशान है ये, और मैं इसे संभलवाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पड़ती है दुकान इसे वेल्डिंग कराने की, तो वहां इसे मैं लेके जा रहा हूँ। इसका दूसरा पहिया कहाँ है? और देखिए इसने इसका पहिया भी अलग कर रखा है, ये इसको भी इसमें डालते हैं। चलो चल और फंसे है। तो फ्रेंड्स इसका ये पहिया था ये अब खिंच चुका है, और इसका जो ये हैंडल है ये इसका टूट गया है, इसे जुड़वाने के लिए हमें जाना है। और वो यहाँ से हमारे उन्होंने बताया था अभी 4 किलोमीटर दूरी पे इसकी वेल्डिंग होगी, अब इसको वहाँ लेके हम जाएंगे, और इसे हमें साइकिल आइए अब इसको हम लेके चलते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा है, और पास में हमारी साइकिल तो अब देखो बन चुकी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये चली जाएगी अब। और बाकी मैं इसे जरा कपड़े चेंज कर लूँ, वरना ऐसे कपड़ों में चिंता नहीं जाना है। संदीप कपड़ा लेके आओ। सब हम चलते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रेंड है, इसका नाम शान है, और हम लोग जा रहे हैं, ये हमारा हमारे साथ में जा रहा है साइकिल संभलवाने के लिए। ये देखो ये साइकिल है, इससे हम लोग जा रहे हैं, और ये हमारे साथ में जा रहा है, और आइए चलते हैं। हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर है, बहुत तेज धूप भी बहुत तेज हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या करें, लेकिन बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, आपने देखा वो रो रहा था, इतनी ज्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। और अभी भी देखो वो यही कहीं होगा, ये देखो इधर खड़ा है, देखिए आपकी दिखाने, देखो देखो ये कितना ज्यादा गुस्सा है, देखो बहुत ज्यादा गुस्सा है भी, और जाने के लिए भी रो रहा है, बहुत ज्यादा नाराज है वो। आपने कई साइकिल संभलवा के लाते हैं, लोग निकल चुके हैं अपने गांव से बाहर, और दोस्तों बहुत ज्यादा तेज हो रही है धूप, क्या करें दोस्तों, लेकिन बच्चा बहुत परेशान कर रहा था संदीप हमारा, कह रहा था मेरी साइकिल संभलवा के लाओ, आपने देखा था।
तो फ्रेंड्स हम रास्ते में अभी अब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और रोक ले भाई पानी पियेंगे रोक ले अरे रोक ले यार बहुत ज्यादा गर्मी है रोक ले नहीं रोक ले पानी। सो फ्रेंड्स आइए आप पानी पीते हैं बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी है यार। हम लोगों ने पानी नहीं पी लिया है हम लोग सब पानी पी चुके हैं तो अभी चलते हैं आइए अभी बहुत दूर है यहाँ से सफर अभी तो हम सिर्फ ओनली 1 ही किलोमीटर आ पाए हैं मुश्किल से और चलते हैं आइए। चलो चलो सान भाई देखिए यहाँ का हमारा रास्ता भी बहुत ज्यादा खराब है आप देख ही रहे होंगे आपको रास्ता दिखाई दे रहा है आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा खराब रास्ता है देखिए कितनी ज्यादा जहाँ तहाँ बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है इसमें साइकिल चलाना मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है भैया गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान है देखो भैया और देखो भैया साइकिल बहुत ज्यादा परेशान कर रही है आज तो साइकिल की चैन उतर गई भैया साइकिल उतर गई चैन उतर साइकिल की चैन चला ले हम देख रहा हूँ साइकिलों परेशान कर रही है इतनी गर्मी में साइकिलों से मना दे रही है भैया और आई चलाइए जल्दी हेलो फ्रेंड्स हम लोग बेल्डिंग की दुकान पर पहुंच चुके हैं ये है हमारे ये दुकान है यहाँ बेल्डिंग की और इसी में हमें यहाँ बेल्डिंग कराना है और ये हमारे यहाँ के मिस्त्री साहब हैं बेल्डिंग करते हैं लोगों क्या क्या मिस्त्री देखो भैया ये हमारी साइकिल है यहाँ से थोड़ी सी बेल्डिंग करने है और ये हमारे भैया आए यहाँ ये भैया देखो इसका यार यहाँ पर बेल्डिंग होना है यहाँ इससे हाँ यार इसको ये कर दो यार सॉरी उतारना पड़ेगा इसी हो जाएगी खोल ले यार ठीक है उतार उतार दो देखो भैया यार वेल्डिंग हो चुकी है अभी और हमारे मित्र साहब ने कर दिया वेल्डिंग।
देखिए भाई, हमारे ये भी भैया इन्होंने पैसे नहीं लिए, बोल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं है। ये भी हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं, यहाँ वेल्डिंग वेल्डिंग पहले से भी कराते आए हैं, इसलिए मना कर रहे हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आपका। ठीक है भाई, आप घर चलते हैं। घर चलने से पहले एक हमारे मित्र हैं, वो भी आवाज लगा रहे थे कुछ देर पहले भी, साइकिल में वेल्डिंग करा रहे थे, बार बार वो आवाज लगा रहे थे। आइए उनसे मिलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा आवाज लगा रहे थे। आइए फ्रेंड्स, ये हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने से वैसे हमारी मित्रता रही है और आगे से भी हमारी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हमारे मित्र हैं और भैया भी हैं। और ये हमारे फोन पर बोल रहे हैं कि अपनी वीडियो निकालो, मैंने अपनी मित्र रह चुके हैं भैया और इनकी दुकान है। किसी को भी भैया जरूर बोलो यहाँ पर आए और यहाँ से लेकर आए, यहाँ चावल वगैरह मिलते हैं, बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं, बहुत अच्छे दामों पर मिलते हैं हमारे भैया। अगर किसी को जरूर बोलो तो यहाँ पर आए भैया इनकी दुकान पर, हमारे मित्र की दुकान पर, और यहाँ से लेकर जाए। बहुत ही अच्छी दुकान है, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती दामों पर ये यहाँ चावल मिलते हैं। जिसकी भी भैया को जरूर दो यहाँ ले चलते हैं, आना यार हमारी वेल्डिंग हो चुकी है अभी और हम घर को निकलते हैं और आइए देखते हैं घर हमारा जो संदीप है वो वेट कर रहा होगा कि पापा आ रहे होंगे साइकिल से, और देखते हैं कितनी खुश होता है, कितना खुश होता है, देखते हैं कितनी ज़्यादा खुशी मनाता है। तो फ्रेंड्स, हम पानी उन्हें पी चुके हैं और निकलते हैं घर के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। रोकले यार, सस्ता ले यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार, थक गया यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों। अभी हम थोड़ा सस्ता आएंगे, हम और सान भाई दोनों लोग आए हुए हैं, अभी हम थोड़ा यहाँ राइड करेंगे, यहाँ थोड़ा पेड़ के नीचे छांव भी है। और फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग पूरा देखें और हमें बताएं आपको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है, कैसी वीडियो हम बना रहे हैं वो भी बताएं कमेंट में कि हम लोग कैसी वीडियो बनाते हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। और दोस्तों, हमारे पास यही साइकिल है जो टूटी फूटी, बस इसी से हमें चलना है, इसी से हम चलते हैं और बाकी हमारे पास और तो कुछ है नहीं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की हमें मदद की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मेन, प्लीज़ आप लोग हमारी सपोर्ट कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है। और दोस्तों, और ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए और आइए ब्लॉग को चलते हैं आगे लेकर, और चलते हैं आगे हम अपने घर की तरफ, और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करके तभी निकलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं अभी घर के लिए, काफ़ी समय हो गया हमें यहाँ रुके हुए, करीब हो चुका है 15 मिनट हो गए यहाँ बहुत सस्ताते हुए, और अभी हम निकलते हैं घर के लिए और भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा तेज, और आइए चलते हैं हम। फ्रेंड्स, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं अपने, और देखते हैं संदीप कितना खुश होता है। आइए
देखते हैं घर के लिए चलते हैं अंदर के लिए। संदीप कहाँ है? आए? संदीप साइकिल चला। संदीप आजा, साइकिल आ गई तुम्हारे भाई, आ जल्दी आ। सब लोग खाना खाने के लिए रेडी हैं और हम अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं। अभी आए थे हम, दोपहर ही हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज धूप भी हो गई है, करीब एक बज गया आते आते। और ये देखो अब इसकी साइकिल समझ गई, तब कहीं जाके ये खाना खा रहा है, वरना ये खाना भी नहीं खा रहा था। और फ्रेंड्स आइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए। क्यों, अब तो खुश है? अरे अब तो गजे दोस्तों, हम खुश हैं क्यों? तो फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो चुका है, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।